Imagine just standing at the southernmost tip of India, feeling the sand in between your toes and gazing out the vast expanse of Indian Ocean. Welcome to Rameshwaram, a destination that will leave you breathless with its natural beauty and rich history. What's up everybody, this is Sagar Kamde, welcomes you back to yet another video from our South India road trip. Agar aap mera South India road trip follow kar rahe ho, toh you will be aware that we have been exploring some of the most beautiful destination in the country. Aur kal aise hi Kanyakumari explore karke, abhi hum nikle hain to yet another last land of India, Rameshwaram. But before that, filhal chai peene ke liye ruke, it's like 6:30 ho gaya, 6, 6 baj gaya hoga na? पर यहाँ तक आते आते अंधेरे रास्तों पे कुछ विंडमिल जैसी शेप्स दिखे, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वी वेटेड हियर फॉर द मॉर्निंग लाइट सो दैट अपना ड्रोन उड़ाया जा सके. और ड्रोन ने जो देखा वो कुछ ऐसा था. हालांकि ये सफर 300 किलोमीटर का है, बट आई बेट यू आप इन रास्तों पे बोर नहीं हो सकते क्योंकि लैंडस्केप्स ही इतने मजेदार है. विंडमिल्स, साल्ट फॉर्मिंग्स जो हमने पहली ही बार देखी थी, और सनराइज की वो ऑसम व्यूज, बिल्कुल मजा ही आ गया. कन्याकुमारी से निकलने से लेके यहाँ तक मतलब 150 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गया हमारा. 2.5 घंटे के अंदर 3 टोल, और कॉस्टली भी है, लेकिन रास्ते बहुत अच्छे हैं, तो थोड़ा मेरे को कंपनसेट जैसा लग रहा है. बाय एनी चांस इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दिस रोड कन्याकुमारी टू रामेश्वरम, डोंट मिस दिस प्लेस. ये जो आपको दिख रहा है ना, होटल श्री अक्षया भवन, दिस इज़ रियली गुड, बिलीव मी. मैंने आज तक का सबसे अच्छा साउथ इंडियन मील यहाँ पे खाया, मज़ा आ गया खा के, मज़ा आ गया. रामेश्वरम 18-20 किलोमीटर दूर है. वी आर रियली एक्साइटेड टू सी दैट पंबन ब्रिज जो सब लोग बात करते हैं उसके बारे में. फाइनली वी आर एट दिस 100+ ईयर्स ओल्ड इंजीनियरिंग मार्वल पंबन ब्रिज, जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा, जो रामेश्वरम को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है. ये 2.3 किलोमीटर्स का इकलौता ऐसा ब्रिज है जो बीच से ओपन होता है जब शिप्स यहाँ से गुजरती है. एज वी ड्राइव अक्रॉस द ब्रिज वी कैन फील द सी ब्रीजेस एंड स्टनिंग व्यूज ऑफ द ओशन. पंबन ब्रिज से है एंड इट इज रियली ब्यूटीफुल. वहाँ पे परमिशन नहीं थी रुकने की, लेकिन सब रुक रहे थे तो हम भी रुक लिए, बट इट इज रियली गुड. ड्रोन से तो और ज़्यादा अच्छा लगता है. और उसके आजू बाजू में जो है ना, एक साइड में काम चल रहा था, दूसरे साइड में फिशिंग वाले बोट्स थे रैंडमली ऐसे फैले हुए, ब्लू के अलग अलग शेड दिख रहे थे. इनफैक्ट यहाँ पे आए, अपने घर पे जाते, थोड़ी देर रेस्ट करते और फिर घूमना शुरू करते, तो हमें आगे धनुषकोडी भी जाना है. सो रामेश्वरम में पहुँचने के बाद अपन अपने होटल पे आ गए, देख सकते हैं शिव शक्ति लॉज. वी आर लिविंग फॉर धनुषकोडी. होटल से अभी निकलते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं धनुषकोडी में, थोड़े ड्रोन शॉट्स लेते हैं एंड फाइनली वहाँ पे एक मस्त सनसेट एंजॉय करते हैं. चलो चलते हैं. वैसे हमारे होटल से धनुषकोडी सिर्फ 17-18 किलोमीटर ही है. जैसे ही हम लोग रामेश्वरम धनुषकोडी रोड पे आए, वी वर लिटरली अमेज्ड टू सी द ब्यूटी अराउंड.
लग रहा था एक अलग ही जगह पे आ गए। एक साइड में था अरेबियन ओशन जो अपनी चमक बिखेर रहा था और दूसरे साइड में एकदम काम बे ऑफ बंगाल एंड देयर वी आर स्मैक इन द मिडल ऑफ इट ऑल। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी क्योंकि वी न्यू वी वर अबाउट टू रीच साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया अरुचिल मुनाई। मुझे तो बिल्कुल मजा आ गया यहाँ पे आके, मतलब यही से मेरे को अच्छा लग रहा है। और जैसे ही हम अरुचिल मुनाई पहुंचे ये जगह काफी क्राउडेड थी जैसे कोई मेला लगा हो। अरुचिल मुनाई देख रहे हैं लिटरली यहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर्स और अच्छे खासे ट्रैवलर बड़े बड़े ट्रैवलर्स। नाउ आई एम फीलिंग कि थोड़ा जल्दी आ जाते तो इट वुड हैव बीन बेटर। वो वाला सीन हो गया एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी वाला, तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी और भीड़ का बात करें तो यहाँ पे लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है और गाड़ियाँ घुस गई हैं, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, बट आई थिंक दैट इज स्टिल फाइन, सबको ही देखना होता है। सो दैट इज़ दैट सर्कल जो हर वीडियो में देखते होंगे आप। वेलकम टू द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। फिर थोड़ा रुक के चीज़ें देखी और फिर गर्मी में ये ठंडा ठंडा खीरा खा के निकल गए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। भीड़ ज्यादा होने के कारण हम सोच रहे कि अभी निकलते बिन बिटवीन जो भी बीचेस है वो कवर करता है और वो बीचेस कवर होने के बाद विल गो बैक। कल सवेरे मदुरई निकलने से पहले हम लोग आ जाएंगे इधर, एक आध घंटा स्पेंड करेंगे, सनराइज देखेंगे एंड देन विल लीव। तो उस पॉइंट से निकल के हम आए एक सुंदर से बीच पे जो एकदम ही खाली था, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी और एक आध फिशरमैन्स की बोट। हम लोग ना यहाँ पे शेल हंटिंग कर रहे हैं, लिटरली हम सारे लोग यहाँ पे शेल्स ढूंढ रहे हैं लेकिन ले जाने के लिए कुछ नहीं है, तो अभी सब हैंकर चिप्स निकाल रहे हैं। तो फाइनली हमारा शेल हंटिंग खत्म हो गया है, सन इज अबाउट टू सेट और हम अब निकलने वाले हैं। और जो हमारा टोटल कलेक्शन है वो ये पहाड़ है। यहाँ पे भीड़ की वजह से बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाए, बट वी आर हैप्पी दैट वी केम टू दिस सेक्लूडेड बीच काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे हमने सी शेल हंटिंग की और फाइनली वी आर अबाउट टू एंजॉय दिस स्टनिंग सनसेट। लिटरली अगर आप रामेश्वरम प्लान कर रहे हो और वो सर्कल के पास जाना चाहते हो तो ज़रूर जाइए, बट इन द मॉर्निंग, बट इवनिंग भी यहीं पे किसी एक बीच के साइड में बिताइए। आई थिंक यू आर गोइंग टू हैव द मोस्ट फन आउट ऑफ योर ट्रिप जो हम कर रहे हैं अभी, इट इज रियली गुड। उधर सनसेट हो रहा है, इधर लोग पूरे एंजॉय कर रहे हैं। देखते ही देखते शाम हो गई थी, आसमान का कलर चेंज हो रहा था एंड वी कुड सी अ कैनवास विथ वाइब्रेंट ह्यूज एंड वी ऑल वर मेस्पराइज्ड बाय द होल थिंग। बस इतना ही नहीं, सनसेट होने के बाद भी इट वॉज ऑल कलरफुल, ऐसा लग रहा था बस यहाँ पे बैठ के ये समुंदर को देखते रहें और इस ठंडी हवाओं को महसूस करें। उससे हमने 10 बार बोला होगा जाने का है लेकिन अभी तक निकल नहीं पाए इस रोड से धनुषकोडी वाले। उसका रीज़न ये है दिस ब्यूटीफुल सनसेट जो अभी हो गया है लेकिन जो कलर्स आ रहे हैं ना दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई कैन नॉट इवन इमेजिन अ प्लेस लाइक दिस। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं ड्रोन नहीं उड़ा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास बैटरी कम है, ड्रोन में था है, मोबाइल में कम बैटरी है तो नहीं उड़ा पाऊंगा। तो फिर एक लास्ट टाइम इन नज़ारों को देख के निकले आगे, बट वी वर स्टिल एक्साइटेड थिंकिंग कि कल मॉर्निंग यहाँ सनराइज देखने आना है। ओके आई एम रियली हैप्पी, हमने एक्चुअली धनुषकोडी एंजॉय की, नॉट दी सर्कल पार्ट ऑफ इट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पे सी शोर्स है दे आर प्रिटी गुड, सेक्लूडेड है, आप जाके वहाँ पे शेल हंटिंग कर सकते हो, मजाक नहीं। लेकिन दिस वॉज The best experience आज तक का ये ट्रिप में। बाकी यहाँ पे लाइट हाउस है जो मैंने आपको बताया था, अभी देख लो आप, अभी तो हम फुल हाइप में हैं, तो हम जा रहे हैं शिव मंदिर में। रामेश्वरम सिटी वापस आके हम गए रामनाथन स्वामी मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पर अफसोस यहाँ मोबाइल्स अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, बट आई मस्ट से मंदिर बहुत खूबसूरत है। जो मेन मंदिर एरिया है दैट इज स्टिल द ओल्ड वन, दैट लुक्स रियली गुड एंड आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेस टू बी। और मेन चीज यहाँ पे ना हर जगह पे सेलफोन लॉकर करके बोर्ड दिखेंगे आपको जहाँ पे आपको फोन रखना पड़ेगा, 10 रुपीज पर मोबाइल दे चार्ज। ओके फिर मिलते हैं, अभी खाना खाने जाना है। फिर रात में मार्केट से कुछ सामान लेके खाना खा के वी कॉल्ड इट अ डे।
सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे टू इन रामेश्वरम और मॉर्निंग में हम लोग मदुरई की तरफ निकलने से पहले वी थॉट ऑफ कमिंग टू अरिचलमुनाई, जो मैंने आपको बताया था कि कल सवेरे भी जाके देखने वाले, तो आज हम लोग आ गए अर्ली मॉर्निंग उठ के। बट यहाँ पे ऐसा होता है 6:15 के अलावा वो आगे छोड़ते नहीं है, तो पुलिस ने स्टॉप किया, वहाँ पे रुके हम लोग थोड़ी देर, उससे बात किया, उसने बताया कि 6:30 बजे तक अगर ऑर्डर्स आते हैं तो आपको छोड़ेंगे आगे, वरना नहीं जा सकते इतने जल्दी जल्दी। अगर आप आ रहे हो तो 6 बजे को टारगेट करके आओ, यहाँ पे थोड़ा जल्दी पहुँच गए तो चाय वगैरह पी सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। फाइनली रामेश्वरम धनुषकोडी रोड हमारे लिए ओपन हुआ और हम फुल जोश में निकले अरिचलमुनाई की तरफ, सनराइज जो विटनेस करना था। जैसे ही रोड पे लगे माहौल फिर से बदल गया, वही बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और बीच में हम और ये खुला आसमान। तो इस ड्राइव को एंजॉय करते करते हम पहुंच गए। सो फाइनली वी आर हियर एट धनुषकोडी फॉर द सनराइज। कल शाम के कंपैरिजन में, मतलब सनसेट के कंपैरिजन में, सनराइज के लिए बहुत कम लोग हैं, तो वी आर गेटिंग अ बिट गुड स्पेस टू सिट। It was so peaceful, so quiet, just sitting here watching that beautiful sunrise directly from the ocean. And believe me, जो हमने देखा वो बहुत ही crazy था. Just have a look. So we are done with Dhanushkodi. Guys, how was the experience at Dhanushkodi? Amazing. Best the sunset. Best sunrise. Well, that's it guys from this video. I hope you must have liked it. If yes, hit that like button, share with your friends and subscribe if you haven't already. Thank you so much for watching. Milte aapse agli video mein.